इस क्रियाकलाप के लिए हमें चाहिए अंकुरित बीजों के कटे हुए मूलांकुर, जो यहाँ पर रखे हुए वॉच ग्लास में। इसे सबसे पहले हम एक स्लाइड पर लेते हैं। इसमें पानी की एक बूंद डाल देंगे ताकि ये सूख न जाए, कुछ इस प्रकार से। इसे अभिरंजित करने के लिए हमें आलता, स्याही या सेफ्रनी, जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसका आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने सेफ्रनिन का यूज़ किया है, ताकि हमको कोशिकाएं रंगीन दिखाई दे, इसके लिए हम इसको सेफ्रनिन से अभिरंजित करते हैं। अब हम इसे इसमें एक बूंद ग्लिसरीन की डालेंगे। अब इसे निडल की सहायता से कवर स्लिप से ढक देंगे। कवर स्लिप से ढकते समय हमें ध्यान देना है कि इसमें हवा के बुलबुले प्रवेश न करें, इसलिए इसे हम धीरे धीरे ढकते हैं। ढकने के बाद हम इसे हल्का गर्म करेंगे। कुछ इस तरीके से हम इसे हल्का सा गर्म करेंगे। ये हल्की गर्म हो चुकी है, अब इसे हम हटा देते हैं और निडल या ब्रश की सहायता से हम इसको दबाएंगे। कवर स्लिप के बाहर निकले हुए सेफ्रनिन को हम ब्लॉटिंग पेपर की सहायता से पोंछ लेते हैं। अब हम इसे सूक्ष्मदर्शी में देखेंगे। इसमें कोशिकाओं का अवलोकन करेंगे कि मूलांकुरों की कोशिकाएं हमको किस प्रकार से दिखाई दे रही हैं। पौधों की वृद्धि के लिए जो कोशिकाएं आवश्यक होती हैं वो मूलांकुरों के शीर्ष भाग पर उपस्थित होती है, जिसे हमने स्लाइड में देखा।